प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम खेल महोत्सव में अब हम वो खेल खेलेंगे जिसमें पत्नी अपने पति को साड़ी पहनाएगी और सजाएगी। एक मिनट, किसकी पत्नी किसके पति को साड़ी पहनाएगी? सेठ जी, अपनी ही पत्नी अपने ही पति को साड़ी पहनाएगी। एक मिनट, मेरा भाई एक सवाल है भाई, आप पति पत्नी आपस में ये साड़ी पहनने वाला खेल खेलोगे तो हम लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग देखेंगे और सीखेंगे। मान लो कि अगले साल आपकी शादी हो जाती है। कठिन है। कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि अगर आपकी शादी हो जाती है और अगले साल भी हम लोग ये खेल खेलते हैं तो आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं ना कि देखो इस तरह साड़ी पहनने की है। सही बात है। चलो भाई, चलो चलो, तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है आज। हाँ, नाइस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। अच्छा समझाया। क्या इनको इतना इंग्लिश बोलने का है? तो सभी पति पत्नियां तैयार? अरे क्या रेडी रेडी, हम सब जेंट्स लोग कैसे साड़ी पहनेगा? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, साड़ी हम तुम्हें पहनाएंगे। आप लोगों को बस खड़े रहना है, दैट्स इट। आपको खड़े रहने में भी प्रॉब्लम है तो जाने दो। बबीता जी, आप मुझे साड़ी पहनाना भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, जरा देखो बबीता, तुम मेरा कोई साड़ी पहनाना। हाँ, तो सभी पति पत्नियां रेडी? साइलेंस साइलेंस। आज के खेल में एक खास बात है, आज पति साड़ी पहनेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि पत्नियों को तैयार होने में देर क्यों लगती है। एकदम सही कहा नटू काका आपने। नटू काका, जब से दुनिया बनी है तब से पतियों को पता नहीं चला कि पत्नियों को इतना टाइम क्यों लगता है, आज क्या पता चलेगा अभी। सही बात है। और हाँ, जो पत्नी अपने पति को कम समय में साड़ी पहनाएगी और सजाएगी वो कपल विजेता कपल कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को। दोस्तों, हमेशा अपने मरीजों के जख्मों पर ड्रेसिंग करने वाले डॉक्टर हाथी को आज ड्रेसअप करेंगी उनकी वाइफ कोमल भाभी। तो चलिए देखते हैं गोल मटोल डॉक्टर हाथी कैसे लगते हैं साड़ी पहनने के बाद। अरे भाई, भाई संभल के भाई, हाथी भाई। सॉरी, स्टेज चेक कर लो एक बार।
हाथी भाई? साड़ी कम पड़ गई। भगवान को याद कर रहा है। द्रौपदी बन गए। पर ऐसी द्रौपदी होती तो पता नहीं कृष्ण भगवान भी आते हैं कि नहीं। रोशन भाई और सोडी बाबी को। अरे क्या, चलो क्या, हमको नहीं बात, तुमको जाना है। अरे चल रोशन। तो चल रोशन। थैंक यू रोशन भाई, सोडी भाभी। और ये सोडी भाई पूरे जोश में टॉप गियर के साथ अपनी गाड़ी को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि ये रेस में कितने आगे तक पहुंच पाते हैं। तो क्या लगता है दर्शकों, कौन सी जोड़ी जीतेगी साड़ी वाले गेम में? टाइम योर स्टार्ट्स नाउ। रोशन जरा सिड्डू ऊपर ही नहीं बाबा, वरना इसी हालत में तेरी फोटो खींच के तेरे घर जिरेंद्र कोरियर कर दूंगा। सोनी है, अगर इस हालत में मेरी जिरेंद्र फोटो पहुंचेगी ना तो मेरा बैंड बाजा दोनों बच जाएगा यार। अय्यर भाई और बबीता जी को। दोस्तों अय्यर भाई के चेहरे पर खुशी देखकर ये लगता है जैसे ये बबीता जी को कोई जल्दी से साड़ी पहनाने का फॉर्मूला सिखा कर आए हैं। टाइम योर स्टार्ट नाउ।
अयो क्या खूब लगते जी अय्यर भाई। अय्यर भाई साड़ी पहन के किसी क्लासिकल डांसर से कम नहीं लगते जी, क्यों दोस्तों? अब मैं बुलाऊंगा भीड़े भाई और माधवी भाभी को। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अचार क्वीन माधवी भाभी ऐसे कौन से मसाले डालती हैं जिससे भिड़े भाई एकदम चटपटे दिख जाएं। माधवी भाभी तो यूं चुटकियों में पहना के आई। टाइम टाइम योर नाउ। क्योंकि बेड़े के जमाने में गंजी औरतें होती थी क्या? नहीं नहीं, तभी क्या सभी मर्द में साड़ी पहनते थे? अरे वाह, ये भिंडी मास्टर साड़ी में मस्त लग रही है। वाकई माधवी भाभी ने भिड़े भाई को बना दिया तीखा तीखा जनजनित रत्नागिरी का पिसल। भिड़े भाई गए तो थे शिक्षक बनके पर लौटे हैं शिक्षिका बनके। इनके लिए जोरदार तालियां। भाई भिड़े बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू थैंक यू। आज पोपटलाल को जिसने जिसने साड़ी पहनी है सब अच्छा लग रहा साड़ी। तो अब मैं बुलाऊंगा मेहता साहब और अंजलि भाभी को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डाइट स्पेशलिस्ट फिट एंड फाइन अंजलि भाभी कैसे मेहता साहब को इस साड़ी में फिट करती हैं। टाइम योर स्टार्ट नाउ। सेठ जी को और सेठानी जी को। दिखा दे अपना कमाल। थैंक यू ऑल द बेस्ट। क्या हुआ दया? चल जाइए बापू जी। अरे अब जा बहू जा, ये तो खेल है उसमें क्या। जा जा। हाँ। चल चल चल। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं गरबा क्वीन दया भाभी जेठा भाई को कहाँ की क्वीन बना पाती है। यू नाउ।
और बाद में एंड में। ये देखिए दोस्तों, गुजराती स्टाइल साड़ी, बिंदी और ये मंगलसूत्र पहनने के बाद जेठा भाई भुजाओ गांव के किसी गोरी से कम नहीं लग रहे, बल्कि ज्यादा ही लग रहे हैं। सच रहे हो साड़ी में जेठा भाई, इतने अच्छे लग रहे हो कि छेड़ने का दिल कर रहा है। पहली बार आप मुझे क्यूट लगे। सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। Hear me. जो कपल इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा, उन्होंने लिए 78 सेकंड। बस वाह, 78। जो दूसरे स्थान पर रहा वो कपल ने लिए 75 सेकंड। और जो प्रथम स्थान पर रहा उस कपल ने लिए 70 सेकंड। सत्तर। अरे पर बताओ तो सही, वो तीन कपल है कौन से? अरे बता रहा हूँ, एक मिनट, शांति शांति। तो तीसरे स्थान पर आए हैं पहनाने की प्रतियोगिता। भाई नटू काका ने किसने किसको कितने सेकंड में साड़ी पहना ये तो बता दिया, लेकिन विजेता कौन है ये न बता के आप सबकी उत्सुकता बढ़ा दिए। भाई अब विजेता कौन होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना तय है कि हम सब लोगों ने साड़ी तो पहन ली नारी की तरह, एक स्त्री की तरह। लेकिन स्त्री बनना क्या इतना आसान है? त्याग, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, ममता की प्रतिमूर्ति स्त्री, जो न जाने कितनी सुख सुविधाएं त्याग के अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए सारे जीवन लगी रहती है। अपने बाबुल का घर छोड़ के ससुराल में आके दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाती है और उफ तक नहीं करती। स्त्री की महानता का वर्णन करना संभव नहीं है और स्त्री बनना भी बिल्कुल संभव नहीं है साड़ी पहनने से क्या होता है। लेकिन अभी सवाल यह है कि विजेता कौन होगा? भाई विजेता कौन होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे मजेदार अजीब वगैरह खेल होने बाकी है SGKM यानी कि गोकुलधाम खेल महोत्सव में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.